तो दोस्तों ई टेंडर में मान लीजिए आपने किसी भी टेंडर का टेक्निकल बिड ओपन किया और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपको पता चला किसी एक या दो बिडर का कुछ एक दो डॉक्यूमेंट क्लियर अपलोड नहीं हुआ है या फिर एक दो डॉक्यूमेंट्स कम अपलोड हुआ है, तो मतलब कि वो एक दो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर उनके पास है तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड कर पाए तो वो एक सक्सेसफुल बिडर हो पाएंगे। मतलब कि क्या क्या शॉर्टफॉल डॉक्यूमेंट्स है ये आप कैसे उनसे मांग सकते हैं, तो ये प्रोसेस बिल्कुल आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इस वजह से मतलब एक दो डॉक्यूमेंट की वजह से अगर आपने रिजेक्ट कर लिया और आपको रिटेंडर या फिर कैंसिल करके फिर से रिटेंडर करना हो पड़े तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही दिक्कत होता है बार बार टेंडर करने में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम ई टेंडर के पोर्टल में ये शॉर्टफॉल डॉक्यूमेंट ऑप्शन का कैसे हम यूज़ करके बिडर से उनका डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, अगर उनके पास है तो वो डॉक्यूमेंट हमें दे सकते हैं ताकि उनको टेंडर में शामिल कर सकेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल पर पहली बार तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ई टेंडर के पोर्टल पे आके हमारे DSC और यूज़र ID पासवर्ड द्वारा हमें लॉगिन कर लेना है अपने अकाउंट पे। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड पे देखिए बिड एवोल्यूशन जो सेक्शन है यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको शॉर्टफॉल डॉक्यूमेंटेशन या फिर शॉर्टफॉल डॉक्यूमेंट्स, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर कुछ टेंडर का लिस्ट आपको मिलेगा, ये कौन से टेंडर है जिनका अभी टेक्निकल ओपन किया है लेकिन टेक्निकल एवोल्यूशन नहीं किया है। यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, जिनका टेक्निकल ओपनिंग हमने कर लिया है लेकिन अभी तक टेक्निकल एवोल्यूशन हमने नहीं किया है, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई भी बिडर का कुछ एक दो डॉक्यूमेंट्स अगर कम पड़ गया है, मतलब कि गलत अपलोड हुआ है या फिर क्लियर नहीं है, तो उनका डॉक्यूमेंट मांगने के लिए सिंपली उस टेंडर का जो व्यू ऑप्शन आपको मिलता है उस व्यू ऑप्शन पर जाइए और सिंपली यहाँ पर देखिए जो बिडर ने टेंडर सबमिट किया है उन बिडर का नाम यहाँ पे दिखेगा। जिनका भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड में प्रॉब्लम है या फिर ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट आप मांगना चाहते हैं, उनके नाम के अगर अगेंस्ट देखिए यहाँ पे एक्शन ऑप्शन मिलेगा, तो एक्शन ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अभी मान लीजिए कि जो सेक्शन में मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, मान लीजिए इनका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का डॉक्यूमेंट क्लियर अपलोड नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के सेक्शन में सिलेक्ट डॉक जो बॉक्स है उस पर क्लिक कीजिए और रीज़न आपको लिखना होगा। मान लीजिए कोई भी रीज़न लिख दीजिए कि अपलोड सही अपलोड डॉक्यूमेंट कीजिए, तो ऐसे कुछ रीज़न आपको लिखना होगा। साथ ही यहाँ पे आखिर में देखिए डेट लिखना होगा, मतलब कौन से डेट से कौन से डेट तक ये डॉक्यूमेंट वो बिडर सबमिट कर सकते हैं, एक डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और डेट सिलेक्ट करने के बाद सिंपली सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही ये रिक्वेस्ट वहाँ पे चला जाएगा और वो बिडर उन दिनों के अंदर यहाँ पे देखिए रिक्वेस्टेड ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए वो बिडर उन दिनों तक ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे, आपके पास ऑनलाइन ही सबमिट कर पाएंगे। अभी मान लीजिए दूसरे कोई भी बिडर का भी कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर फिर से एक्शन ऑप्शन पर जाइए। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स यानी कि ट्रेड लाइसेंस या फिर PTAX ये सब डॉक्यूमेंट्स में इनका कोई प्रॉब्लम है, तो सिंपली टेक्निकल जो ऑप्शन है यहाँ पे इस सिलेक्ट डॉक इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए, टेक्निकल सेक्शन के आगे इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए और रीज़न में लिख दीजिए क्या क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए इनका ट्रेड लाइसेंस या फिर ट्रेड रजिस्ट्रेशन PTAX ये डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिख दीजिए, देखिए ट्रेड रजिस्ट्रेशन एंड PTAX डॉक्यूमेंट्स नॉट वैलिड, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। तो ये लिखने के बाद सिंपली फिर से आपको एक डेट यहाँ पे नीचे तय करना होगा, डेट सिलेक्ट करना होगा कि कौन से डेट से कौन से डेट तक, और टाइम भी सिलेक्ट करना होगा कि कौन से डेट से कौन से डेट तक, कितने बजे से कितने बजे तक वो ये डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन सबमिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर डेट सिलेक्ट कीजिए, फिर से टाइम भी सिलेक्ट कीजिए, टाइम सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे
सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी रिक्वेस्टेड ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे और व्यू ऑप्शन पे जाके क्लिक भी करेंगे तो यहाँ पे डिटेल आप देख पाएंगे कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो ये देख पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप शॉर्टफॉल डॉक्यूमेंट्स यानी कि कोई भी बिडर अगर टेंडर सबमिट किया है, उनका डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर क्लियर अपलोड नहीं हुआ है, तो उस डॉक्यूमेंट को आप फिर से उनसे मांग सकते हैं रिटेंडर या फिर टेंडर कैंसिल किए बगैर। आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट उनसे मांग के टेंडर को प्रोसेस कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे आपका जो मेहनत है वो कम सकता है, क्योंकि रिटेंडर या फिर टेंडर कैंसिल करके फिर से टेंडर करना एक बहुत ही टाइम और लेंदी प्रोसेस है। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर कोई मिनिमल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड करने में गलती किया है मिनिमल डॉक्यूमेंट्स, तो इस तरीके से आप उनसे ये ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं और रिटेंडर या फिर टेंडर कैंसिल का जो प्रोसेस है उसको अवॉइड कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आगे के जो वीडियो है उसमें दिखाऊंगा कि कैसे अगर बिडर ने वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर दिया है उन दिनों के अंदर, तो वो डॉक्यूमेंट कैसे आप देख पाएंगे, यही प्रोसेस मैं अगले वीडियो में भी दिखाऊंगा। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिए और वो वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।